बिहार में एनडीए से अलग जाकर चुनाव लड़ रहे लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह से चिराग पासवान की बातचीत हुई है। चिराग पासवान ने अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी है। बिहार चुनाव को लेकर चिराग पासवान भले ही नीतीश कुमार पर तल्ख तेवर अपना चुके हों, लेकिन बीजेपी को लेकर चिराग का सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी जारी है। चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके स्वस्थ रहने की कामना की है। चिराग पासवान ने अमित शाह को अपना अभिभावक बताते हुए ट्वीट भी किया है। चिराग ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अमित शाह को देखकर देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिलती है, मैं उनके स्वस्थ रहने की कामना करता हूं। लेकिन नीतीश कुमार के लगातार मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हैं। पिता रामविलास पासवान के श्राद्ध कर्म के निपटने के बाद बीजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने सुबह सुबह ताबड़तोड़ 3 ट्वीट किए और राज्य के मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश जी की शासन काल में पिछले 5 साल में सिर्फ घोटाले हुए हैं। उन्होंने लिखा कि अगर उनकी सरकार बनी तो तुरंत इसकी जांच करवाएंगे और घोटाले में दोषी पाए गए लोगों को जेल भिजवाएंगे। इसके साथ ही चिराग ने अपने बिहार फर्स्ट के संकल्प को दोहराया। चिराग ने लिखा, विकास के कार्यों को क्रियान्वय करने से लिए प्रदेश सरकार का ईमानदार होना जरूरी है। पिछले 5 साल में आदरणीय नीतीश कुमार जी के राज में अफसरशाही और साथ निश्चय में सिर्फ घोटाले हुए हैं। चुनाव के बाद सरकार आते ही साथ निश्चय में हुए घोटालों की जांच करवाऊंगा और दोषियों को जेल भेजूंगा। चिराग ने दूसरे ट्वीट में लिखा, आप सभी के आशीर्वाद से बिहार को फर्स्ट बनाने के लिए निकल पड़ा हूं। कई सारे नए साथी बिहार फर्स्ट के संकल्प के साथ जुड़कर युवा बिहार नया बिहार के लिए अपना पसीना बहा रहे हैं। आप सभी से अपील है कि आने वाले 20 दिन सिर्फ बिहार के बदलाव के लिए कार्य करें, ताकि हम सभी अपना बेहतर कल को आमंत्रित करें। बता दें कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के लिए दोहरी मुश्किलें खड़ी कर रखी हैं। पहली तो एनडीए से निकलकर जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। दूसरा, अब उनके शासन काल को भ्रष्ट काल बताकर जांच की बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही जब नीतीश कुमार उनके घर पर रामविलास पासवान के श्राद्ध में पहुंचे थे, तो चिराग ने उनके पैर छुए थे।